तो अगला टिप्स हमारा इस तरह ये पाउच से है। ये देखिए सॉस का पाउच है या किसी और चीज़ का हो तो थोड़ा रह जाता है, तो ऊपर आने में से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है ये निकालने में। ये देखिए इस तरह नहीं आता, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए बेलन लेंगे और इस तरह से चला देंगे। ये देखिए तो ये देखिए पूरा इस तरफ आ चुका है ऊपर की तरफ। जब भी हम इसे खोलेंगे ये देखिए इस तरह सारा निकल आएगा। तो जब भी पाउच में थोड़ा सा बचे इस तरह आप निकाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स आपके साथ लेके आए हैं जो कि आपके बहुत ही यूजफुल रहेंगी। ये देखिए पहली टिप्स हमारी इस तरह दवा से है, इसमें छोटी छोटी ये जानकारियाँ लिखी रहती हैं तो हमें पढ़ने में नहीं आती हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह मोबाइल लेंगे और इसकी हम फ़ोटो ले लेंगे। देखिए इस तरह, और फिर हम इस तरह से थोड़ा सा इस तरह जूम करके पढ़ सकते हैं, तो इससे हम सारी जानकारी इसमें से देख सकते हैं। ये देखिए अगला टिप्स हमारा इस तरह, मेकअप हम करते हैं लाइनर या काजल जो भी लगाते हैं तो ये देखिए इस तरह लगा लेते हैं, उसके बाद ये छुटाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसे छुटाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे चेहरे पे या आँखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ला सकती है, छोटे छोटे दाने भी हो सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई सी भी वैसलीन लेंगे थोड़ी सी, ये देखिए इस तरह हम लगा लेंगे, इस तरह रगड़ते हुए इसे हम छुटा सकते हैं। ये थोड़ी सी रुई लेंगे, ये देखिए इस तरह ये छूट जाएगा, कोई सी भी वैसलीन ले लें तो ये देखिए इससे बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा। ये जबकि ये वाटरप्रूफ है तब भी ये साफ़ हो चुका है, तो जब भी आप इसे लगाएं तो इस तरह छुटा सकते हैं। ये देखिए अगला टिप्स हमारा मिक्सी के जग से है जो कि हम लहसुन प्याज इसमें पीसते हैं। अगर कुछ और हमें पीसना होता है जैसे चीनी या कोई और चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा प्याज लहसुन की स्मेल आती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए एक इस तरह दिया लेंगे मिट्टी का और उसमें हम इस तरह कागज़ रखेंगे, ये देखिए इस तरह, तो इसे हम जला लेंगे। ये देखिए इसे हम जल जाने देंगे थोड़ा, ये देखिए इस तरह जला के, ये देखिए इसे बुझा देंगे, उसमें जो भी धुआं होगा, और मिक्सी का जग लेंगे हम इसे उल्टा कर देंगे तो इसके धुएं से सारी स्मेल से चली जाएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये देखिए इस तरह बंद करके थोड़ी देर तक हम रखा रहने देंगे, उसके बाद इसे हटा देंगे तो इसका धुआं ये देखिए इसमें भर चुका है, इससे सारी स्मेल निकल जाएगी। ये देखिए इस तरह, तो जब भी आप प्याज लहसुन पीसे इस तरह इसकी स्मेल हटा सकते हैं।